ओके सो प्रणाली, सबसे पहले तो हैप्पी गणपति। क्या कहना चाहोगे इस गणपति, कितना स्पेशल है आपके लिए और क्या होने वाला है? गणपति आई थिंक हमेशा से ही मेरे लिए स्पेशल रहा है, हर साल स्पेशल रहा है, मेरा फेवरेट फेस्टिवल है। तो उतनी ही एक्साइटेड रहती हूँ हर बार, एक महीने पहले से हमारी घर पे तैयारियाँ शुरू हो जाती है। सो वेरी एक्साइटेड। लेकिन मिस करते हो घर पर गणपति, यू नो आप यही रहती हूँ मैं। आज मेरा वर्किंग है और मेरे घर पे आई थिंक 11:30 को पूजा होने वाली थी, तो मैंने ऑफकोर्स घर का मिस किया है, लेकिन यहाँ की आरती मुझे मिल गई, सो गणपति पापा मोरे। लेकिन हम ये देख रहे लास्ट ईयर हर्षद अकेले थे, इस साल आप अकेली हो, तो साथ में दोनों के लिए लगे जी क्या पता, आज शायद उनका शूट नहीं है, मेरा है तो हाय। और पिछले साल तो मुझे कल पिछले साल आई थिंक मैंने अपने घर की गणपति की स्थापना की थी, सो आई हैड टू वेट, तो मैं लेट आई थी लेकिन मैं आई थी जरूर। इस बार पापा से क्या विश मांग रहे हो? बताऊंगी तो पूरी होगी क्या? नहीं बताऊंगी मैं। हाँ विश लिस्ट में से कुछ एक विश बता दो आपकी, क्या क्या विशेज है आपकी? विशेज तो खैर बताऊंगी नहीं वरना पूरी नहीं होगी, बट जो हो मेरे अच्छे के लिए। वेल हम ये सुन रहे कि शो में जो है जनरेशन लीप भी आने वाला है, तो ये कितना सच है? मुझे कोई आइडिया नहीं है। ये तो बहुत दो साल पहले पूछना चाहिए था आपको, लेकिन अभी तो काफ़ी स्मूथ चल रहा है, मतलब मज़ा आता है, अब तो सभी कंफर्टेबल हो गए। पहले बहुत अच्छी तरह से पूजा हुई, क्या कहना चाहोगे? आज हर साल की तरह आपने इस साल भी बहुत अच्छी तरह से मनाया, शुरुआत बहुत अच्छी हुई, क्या कहना चाहोगे? नहीं बहुत खुशी की बात है और बहुत अच्छा लग रहा है कि बप्पा इस साल वापस आए और सबको आशीर्वाद दें। और आई थिंक ये 13th ईयर है ना बप्पा के आने का रिश्ता के सेट में, और हमेशा प्रे करते हुए आए, जैसे आते पूरा माहौल चेंज हो जाता है सेट का और खुशी होती है कि सब साथ में यूनिट ने और सारे टीम ने बैठ के बप्पा को वेलकम किया, बस कृपा रखे हो। सर इस बार थीम कुछ अलग है, ये जानना चाहेंगे क्या थीम डिसाइड? ये बहुत अच्छा है, हमारे आरएफ निखिल जी सब ने मिल के, आर्ट टीम ने, सारी यूनिट ने इनफैक्ट मिल के डेकोरेट किया है। और ये विजन था आरएफ का जो क्रिएट करना, उदयपुर का ये लेक है और वो हवा, वो महल जो है एग्जैक्टली उदयपुर में ऐसा ही है, क्योंकि ये शो अब लोग वैसे ही शो कहाँ का बेस्ट है आप जानते हैं, जो उदयपुर बेस्ट शो है। यस यस। तो ये लगेगा आपको कि हम आज उदयपुर में हैं, सो उदयपुर थीम के साथ ही बनाया गया आज। तो क्या होता है, तीनों यूनिट, सारी यूनिट जो होती है वो सरप्राइज रखती है, मुझे पता चलता है जिस दिन मैं सेट आ जाता हूँ। तो जैसे हमारे आईकुटे के सेट के अंदर चंद्रयान का पूरा थीम था, रॉकेट्स और वो बनाया गया था, यहाँ पर उन्होंने उदयपुर के लेक का थीम रखा है। अभी बातें में जाके देखते हैं कौन सा थीम है और फिर अनुपमा में जाके देखेंगे। नहीं रात को आरिफ मेरी मदर को, माता जी को पिक्चर्स भेज देता है, बट मैं आज ही के दिन देखता हूँ, मिले सरप्राइज होता है। तो ये कहा जाए कि इसमें आधा आंटी जी का हाथ होता है अप्रूवल? नहीं अप्रूवल अच्छा मतलब वो देखते हैं, करने वाले तो आरिफ हैं, जैसे निखिल हैं, हमारे लड़के हैं सब, ये लोग करते हैं, उनका विजन उन वो बड़े प्यार से बनाते हैं। और यूनिट जो सुबेरे शाम यहाँ पर आरती करती है, तो इतना अच्छा लगता है। ऐसा हम सबका मानना है कि आप कितनी भी मेहनत कर लो पर जब तक ऊपर वाले का हाथ ना हो तो कोई काम, माँ बाप का आशीर्वाद ना हो, बड़ों का आशीर्वाद ना हो, तो कोई काम सफल नहीं होता। सो प्रेइंग टू बप्पा। सर आप क्या कहना चाहोगे आज के दिन? बस बप्पा का आशीर्वाद मिलता है, पूरा परिवार साथ मिलकर आशीर्वाद लेता है, खुशी होती है। बप्पा हर साल ऐसे ही ब्लेसिंग्स देते रहते हैं और हर साल देते रहते हैं। और कुछ लास्टली ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे प्रणाली आप और सर? गणपति बप्पा मोरिया। थैंक यू सर। Bye, Bradley. Bye, Bradley.